आरक्षण या रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है कि हर समय चर्चा में बना रहता है, और आप कहेंगे इसके तर्क, मतलब इसके पक्ष में भी अनेकों तर्क दिए जा सकते हैं, इसके विपक्ष में भी अनेकों तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके निष्कर्ष पर आप कभी नहीं पहुंच सकते हैं। जब आप देखते होंगे कि इसका उन लोगों को फायदा मिल रहा होता है जिन्हें नहीं मिलना चाहिए, और वो लोग छूटे रहते हैं, फिर चाहे वो सामान्य जाति के हों या ओबीसी के हों, ST ST किसी भी जाति को, जिन्हें जरूरत है उन्हें नहीं मिल रहा होता है, तो आप इसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। जब आप कभी झोपड़ियों की एक तरह से जाते हैं, देखते हैं, उसमें रहने वाले लोगों को देखते हैं, तब आप कहते हैं कि सही है रिजर्वेशन, मिलना चाहिए आरक्षण लोगों को, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन ओबीसी में एक अवधारणा आई हुई है क्रीमी लेयर की। अब आप लोगों को बता दूं कि क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि दूध आप लेते हैं, और दूध जब गर्म करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि क्रीम ऊपर आ जाती है, उसे आप हटा देते हैं। तो क्रीमी लेयर की अवधारणा भी यही कहती है कि ओबीसी समूह में जो भी ऊपर उठ चुके हैं उन लोगों को आरक्षण से बाहर कर दिया जाए। आप लोगों ने कई बार फॉर्म भर रहे होंगे, आप लोग ओबीसी के लोग होंगे, क्योंकि ST ST पर ये अवधारणा लागू नहीं होती है क्रीमी लेयर की, ठीक है। लेकिन ओबीसी के अगर आप लोग हैं तो आप फॉर्म भरते होंगे, तो आपको एक ऑप्शन लिखने के लिए देने के लिए आता है उसमें कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको फीस बढ़ जाती है ऊपर, अगर क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं आप लोग तो आपकी फीस कम हो जाती है, ठीक है। तो चलिए, हाल में ही आपका आरक्षण क्यों चर्चा में है इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन आपसे कहीं भी अगर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, फिर चाहे सिविल सर्विस हो, स्टेट PCS हो, तो आपको बड़ा बैलेंस बनाकर लिखना होगा, या फिर कहीं बता रहे हैं, अपना तर्क दे रहे हैं, तब भी आपको बड़ा बैलेंस बनाकर लिखना है। मुझे नहीं लगता है कि आप उन लोगों जैसे होंगे जो व्हाट्सएप फेसबुक की दुनिया में खोए रहते हैं, और वो आरक्षण पर बात करनी हो तो वो कई इस मतलब इसका पॉजिटिव पॉइंट नहीं देखते हैं, ना तो नेगेटिव पॉइंट, वो इतना फेंकते रहते हैं कि उससे कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहता, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए देख लेते हैं इस आर्टिकल को। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक आरक्षण के विचार के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरक्षण कोटा की नीति का उद्देश्य मेधावी उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर से वंचित करना नहीं है, भले ही वे आरक्षित श्रेणियों से ही संबंधित क्यों ना हो। आप समझिए, ये कहा जा रहा सीधा मतलब कि आरक्षण कोटा की नीति का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि जो योग्यतावान छात्र हैं या उम्मीदवार हैं उन्हें नौकरी से हटा दिया जाए, उन्हें तो कम से कम नौकरी से चांस मिलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अनुमेय कोटा लाभ के अधीन रहते हुए सीटों को भरने की किसी भी विधि में योग्यता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, और मेधावी उम्मीदवार का ही चयन होना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग के हो। इसमें कहा गया है कि अनारक्षित श्रेणी में प्रतियोगिता पूरी करने से योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। सीधी सी बात है, कहीं भी आरक्षित सीटें हैं, मान लीजिए ऐसा तो नहीं है, मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर जाति को टारगेट नहीं कर रहा हूं और ना ही कभी करूंगा, ना ही मेरा किसी पार्टी किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरे लिए आप भी बराबर है, सभी जातियां बराबर है। यहां कहने का मतलब यह है, मान लीजिए कि ST के लिए कुछ सीटें आरक्षित है, तो ऐसा तो है नहीं कि सीटें आरक्षित हैं तो किसी भी ST के व्यक्ति को लाइए वहां बैठा दीजिए आप लोग, उसमें भी उसकी योग्यता को देखा जाएगा कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो 10वीं 12वीं या जो भी उसका योग्यता रखी गई वो पास है या नहीं है, इसकी बात की जा रही है। वरना आप सोचिए कि कहीं ऑफिस बैंक की बात कर लेता हूं, मैनेजर पर आप एक अनपढ़ को रख देते हैं तब क्या होगा, मान लीजिए कि वो आरक्षण के लिए एक तरह से सीट हो तो वहां भी योग्यता देखी जाएगी आपकी। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट जिसे आप लोग कहते हैं, तो अनुच्छेद 124 देखते होंगे आप लोग की सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 124 से आपका 147 तक ये सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए हैं आर्टिकल। आपने देखा होगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, कुछ प्रावधान इसके 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। तो आपका 26 जनवरी 1950 को ही आपका सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आ चुका था। इसकी पहली बैठक की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ये भी कई बार आपका क्वेश्चंस बन जाते हैं वनडे एग्जाम में, और कई बार आपके प्रारंभिक परीक्षा में, तो याद रखिए। अब बात करते हैं आगे हम लोग।
याद रहे कि उत्तर प्रदेश के महिला कांस्टेबल पदों की भर्ती का आयोजन किया गया था। इस भर्ती परीक्षा में स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व कर्मचारी की विशेष कोटे के तहत महिला कांस्टेबल के पदों पर भर्ती को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लोक सेवा समेत अन्य भर्ती परीक्षा में आरक्षण संबंधी एक नीति अपनाई जा रही थी, जिसके तहत सामान्य श्रेणी के लिए कट ऑफ से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली सभी पुरुष उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह नियम महिला उम्मीदवारों पर लागू नहीं था, जिससे यह मामला न्यायालय के समक्ष आ गया है। याद रहे कि न्यायालयों द्वारा दिए गए कई निर्णयों में यह स्थापित किया जा चुका है कि आरक्षित वर्ग से संबंधित कोई उम्मीदवार अगर योग्य है तो सामान्य वर्ग में भी आवेदन कर सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ग से संबंधित हो। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रमुख निष्कर्ष की बात करें तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की एक विधि है और इसे एक ऐसी निर्धारित परिधि में नहीं लाया जाना चाहिए वहां जहां किसी उम्मीदवार को योग्यता के बाद अभी उस परिधि से बाहर आने पर का अवसर ना हो, और ऐसा होना होने से यह सकारात्मक भेदभाव यानी कि जातिगत आरक्षण बन जाएगा और जहां प्रत्येक सामाजिक श्रेणी उनके आरक्षण की सीमा के भीतर ही सीमित रह जाएगी। योग्यता की उपेक्षा हुई और खुली श्रेणी सभी के लिए खुली है और इसके अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के लिए एकमात्र शर्त योग्यता है, चाहे उसे किसी प्रकार का आरक्षण उपलब्ध हो या ना हो। आप लोग देखते होंगे एक तरह से कि जब आपकी सीटें सामान्य वर्ग के लिए रहती हैं तो उसमें याद रखिए कोई भी लड़ सकता है, यानी कि उसमें कंपटीशन में कोई भी भागीदारी कर सकता है, फिर चाहे आपका ST का हो, ST का हो, OBC का हो, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जब ST ST के लिए आरक्षित रहती है तो उसने ही में से चुना जाता है, समझ रहे। लेकिन बस इतना याद रखिए कि उसमें भी योग्यता रखी जाती है, कि ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को रख दिया जाए। हालांकि दूसरी और संविधान का अनुच्छेद 335 या फिर किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं पदों के लिए नियुक्ति करने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे में प्रशासन की दक्षता पर जोर देने की बात कही गई है। एक बात और आपको बताऊंगा, देखिए आरक्षण कोई स्थायी प्रावधान नहीं था और मुझे लगता है कि 1947 में जब आप आजाद हुए तभी जाति प्रथा ये सभी खत्म कर देना चाहिए था और तब आप कह सकते थे कि आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। अब आप खुद सोच लीजिए कि कोई ST ST झोपड़ी में रह रहा है, उसके परिवार के बारे में, उसके परिवार को ना तो स्वास्थ्य व्यवस्था मिल पा रही, ना ही बेहतर शिक्षा मिल पा रही, उसके लिए सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, और आप सभी क्या दुनिया जानती है, जग जाहिर है कि हमारे यहाँ की सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते सरकारी स्कूल में, सरकारी हॉस्पिटल में लोग इलाज करवाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें जाना वहां जाने से अच्छा वो घर में मरना पसंद करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं मानता हूं कि आप समझिए कि सामान्य जाति में भी आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसे सरकार ने ध्यान में भी रखा हुआ है। आपने देखा होगा 10% आरक्षण की व्यवस्था उन्हें भी की गई है, एक बहुत अच्छा कदम भी है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उन्हें उनकी स्थिति को ना देखते हुए आप कह दें कि उन्हें ऐसा है। आप अपने बच्चे को कहां पढ़ा रहे हैं, VIP स्कूल में, VIP स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके लिए, और क्या आपके बच्चे से वो कॉम्पिटिशन झोपड़ी वाला कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। हाँ इतना हो सकता है कि उसके बच्चे को भी जन्म के पहले से ही, और आपके बच्चे को जन्म के पहले से जो सुविधाएं मिलना शुरू हो गई हैं वो उसे भी मिले। मेरा जन्म से पहले का मतलब यह है कि आप देखते होंगे कि जब भी बच्चा गर्भ में आता है तभी से उसकी टेस्ट होने लगता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसके बच्चे को भी वही सुविधा मिलनी चाहिए। और आप सोचिए आपका बच्चा अगर VIP कॉलेज में पढ़ रहा है या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कुछ भी करना चाह रहा है, और वो बच्चा भी वही कर रहा है, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तब मुझे लगता है कि उसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपके आरक्षण की, समझ रहे हैं आप। आरक्षण से आपके तात्पर्य क्या है? भारत में आरक्षण का सामान्य अर्थ सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और संसद विधानसभाओं में कुछ वर्गों की आबादी के लिए सीटों को आरक्षित करना है। आप लोग देखते होंगे आपकी विधानसभा सीटें कई बार आरक्षित होती है ST ST के लिए, समझ रहे हैं आप लोग। इसे सकारात्मक कार्रवाई के रूप में भी जाना जाता है। भारत में आरक्षण को संविधान द्वारा समर्पित सरकारी नीति के तहत सकारात्मक भेदभाव के रूप में भी देखा जा सकता है। भारत में आरक्षण के उद्देश्य की अगर बात करें
तो भारत के संविधान के अनुसार आरक्षण प्रदान करने के दो मुख्य उद्देश्य हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है सामाजिक उद्धार, अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी या किसी भी सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिक जैसे ओबीसी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे सामान्य वर्ग की बात कर रहा हूँ। उन्नति अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5) और अनुच्छेद 16, माफ करिए 15(6) इसी से संबंधित है। सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, राज्य के अधीन सेवाओं में वंचित वर्ग के नागरिकों या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 16(6) में से संबंधित इससे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत संसद विधानसभाओं में अभी वंचित वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं को भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए लोकसभा या राज्यसभा में या किसी भी विधानसभा में, आप समझ रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है, आप सोचिए कि 50% के करीब आपकी जनसंख्या महिलाओं की है, 50% पुरुषों की है, यानी कि बराबर है। और आप लोकसभा में देखते होंगे कि मात्र 78 महिलाएं अभी आपकी करंट लोकसभा की बात करें, आप समझिए 545 43 में से आपकी 78 महिलाएं, यानी कि एक तरफ आप देखेंगे कितना भेदभाव है, कितना अंतर है। एक तरफ मतलब 50% आबादी की अनुयायी मतलब एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रही है 78% और बाकी पुरुष हैं। तो इसीलिए तो देश को कह दिया जाता है पुरुष प्रधान पित्र सत्ता समाज, ठीक है। तो कई जगह आरक्षण की बात की जाती है। एक मेरा भी मानना है, देखिए कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है उन्हें भी आरक्षण की व्यवस्था अच्छी की गई है, जो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए की गई है उनके लिए भी अच्छी है और एसटी ओबीसी के लिए भी बढ़िया है। लेकिन ओबीसी में जो क्रेमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट रखा गया है वो मुझे बढ़िया लगता है। जैसे मुझे अगर जरूरत नहीं है आरक्षण की तो मुझे लगता है कि मुझे बाहर हो जाना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि गैस पर सब्सिडी की बात हुई थी और जब प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि जिसे इस तरह की जरूरत नहीं है वो अपने आप से छोड़ दे, और बहुत सारे देश के हमारे लोगों ने छोड़ भी दिया था। तो आप देखेंगे एसटी में भी आप लोग देखेंगे जिनका ऊपर उठ चुके हैं वो अपनी मर्जी से छोड़ दें, और उनका क्या है कि दूसरे लोगों को, उन्हीं में से मैं बात कर रहा हूं, दूसरों को फायदा मिलता रहे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि सभी ऊपर उठ जाएंगे तो आरक्षण खत्म ही हो जाएगा अपने आप। लेकिन आप कहें कि इस तरह का भेदभाव करके आप आरक्षण को खत्म कर दें, कभी नहीं हो सकते। और इसीलिए आप देखते होंगे कोई भी राजनीतिक पार्टी इस पर मतलब इस पर दखलंदाजी भी नहीं करती है। आपने देखा होगा बिहार में पिछली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से किया गया था तो हार का मुझे देखना पड़ा था। तो आरक्षण हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और इसके से संबंधित आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं और आप देखेंगे इंटरव्यू में भी आपके क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे, तो बड़े अच्छे से मतलब ध्यान देना है आपको, ठीक है। व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया से उठ के ऊपर रहना है आपको। चलिए मिलते हैं आगे, हम लोग पढ़ते रहिएगा।